पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो के इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा को पछाड़ते हुए गोल्ड अपने नाम किया था। गोल्ड मेडल जीतने के बाद ही अरशद को एक के बाद एक इनाम मिल रहे हैं। पहले उन्हें $50,000 यानी कि करीब 42 लाख रुपए मिले, वहीं अब गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को तोहफे में एक भैंस मिलेगी। जी हाँ, नदीम को भैंस तोहफे में मिलने वाली है। सवाल ये है कि उनको ये तोहफा कौन दे रहा है, चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरअसल नदीम को भैंस का तोहफा उनके ससुर देंगे। अरशद नदीम के ससुर मोहम्मद नवाज ने लोकल मीडिया से बात करते हुए खुद इस बारे में खुलासा किया कि वह अरशद को तोहफे में एक भैंस देंगे। बता दें कि अरशद के गाँव में भैंस को तोहफे में दिया जाना बहुत मूल्यवान और सम्माननीय माना जाता है। अरशद के ससुर मोहम्मद नवाज ने कहा, नदीम को भी अपनी जड़ों पर बहुत गर्व है और कामयाबी के बावजूद उसका घर अभी भी उसका गांव ही है और वह अभी अपने माता पिता और भाइयों के साथ रहता है। मोहम्मद नवाज ने कहा, जब हमने 6 साल पहले नदीम से अपनी बेटी की शादी का फैसला किया था तब वह छोटी मोटी नौकरी किया करता था। हालांकि वह अपने खेल के प्रति बहुत जुनूनी था और अपने खेतों और घर पर भाला फेंकने की प्रैक्टिस करता था।